नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि ये जो केंट ग्रैंड प्लस है, इसमें जो बीप साउंड आती है, तो हम ऑन करके दिखाते हैं एक जो कंटिन्यूअस बीप साउंड, ये जो आप सुन रहे हैं, तो ये जो बीप साउंड आती है, तो वो किस वजह से आती है, तो आज जानते हैं। हमारे साथ इंजीनियर्स मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि ये साउंड क्यों आती है। एक्चुअली सर, ऐसा होता है कि जब 1 ईयर जब फिल्ट्रेशन का चेंज होने का ऑप्शन हो जाता है तो ये बीप की आवाज़ आती है, क्योंकि ये मशीन ऐसी है, ये स्मार्ट मशीन है, तो इसमें जब एक साल पूरा हो जाता है तो इसमें बीप की आवाज़ आने लगती है, और जब हम फिल्टर चेंज कर देते हैं तो ये रीस्टार्ट करके ये बीप की आवाज़ चली जाती है। और अगर एक मान लीजिए, अगर कोई वजह से अगर ये बीप की आवाज़ नहीं जाती है तो इसकी जो है क्या बोलते हैं, चोक दिक्कत कर रही है, तो इसकी अच्छा, चोक दिक्कत कर रही है, तो अगर ये चोक चेंज करेंगे और तो जब चोक चेंज होगी तो इसकी बीप की आवाज़ जो है चली जाएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि जो बीप की साउंड आ रही थी, तो हम लोगों ने ये जो फिल्टर्स हैं ये ऑलरेडी रिप्लेस कर दिए हैं। तो ये हमारे पुराने फिल्टर्स जो निकाल करके, ये ओल्ड फिल्टर्स हैं, तो इनको हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, बट अभी भी ये बीप की साउंड नहीं गई। तो क्या इशू, मतलब यूवी? नहीं सर, इसकी चोक जो है जो इसकी दिक्कत कर रही है। तो चोक दिक्कत करती है तो भी ये हाँ, बीप की आवाज़ बीप आ की रही है। आवाज़ आती हाँ, है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं, जब फिल्टर नया लग जाता है तो रीस्टार्ट करते हैं, तो रीस्टार्ट पे जो है ये चोक जो है, ये बीप की आवाज़ जो है बंद हो जाती है। तो जब मान लीजिए अगर बीप की आवाज़ बंद नहीं हो रही है तो इसकी चोक जो है दिक्कत कर रही है, तो चोक इसकी चेंज होगी, जैसे चोक चेंज होगी तो ये बीप की आवाज़ जो आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं, जो आरओ का वर्क है? कम से कम कितना? सर 10 से 11 साल हो गया सर। 10 से 11 साल हो जी गया। तो आप केवल केंट का ही करते हैं या अदर ब्रांड्स में भी आप नहीं, कोई भी लोग? सर, कोई भी कंपनी का हो। तो किस किस कंपनी से हैं आप? सर ये हमारी पर्सनल एजेंसी है, AK वाटर सॉल्यूशन की। आप लखनऊ बेस्ड जी एजेंसी जी सर, आपकी? जी तो अगर किसी का भी केंट खराब हो गया है, तो अगर हाँ, वो आपको कैंट कांटेक्ट करना चाहे बिल्कुल तो? बिल्कुल सर बिल्कुल, कैंट कैंट का हो या किसी भी अदर कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, तो उसमें जो है वो सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसका, जो आप बता रहे हैं कि जी चोक खराब हो गया, तो एक बार हम लोग इसको चोक रिप्लेस करके देखते हैं कि ये बीप साउंड जाता है कि और कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके सर। हाँ, इसमें लगा है हम लोग का। तो भैया आप दिखाएंगे चोक कैसा होता है इसका? तो निकाल ये चोक होती है इसकी, ऐसे इस तरह की जब अगर यूवी जब दिक्कत करता है, ये चोक खराब हो जाती है, तो ये बीप की आवाज रेगुलर रहेगी, ये चेंज हो जाएगी आवाज। ये चोक जो है, जो ये चेंज होती है, ये इसके कॉस्ट है 935 रुपये, 935 रुपये इसकी कॉस्ट है, और ये चेंज करने पे ही आवाज़ की बीपी खत्म होगी भैया। उसमें कैप लगता है, मुझे लगता है हटा दिया उसने। क्या उसमें है ना, उसमें कैप लगता है, लीकेज हो रहा था कैसे। अरे चलो भैया, वीडियो बना ले, क्लिक कैसे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये चोक चेंज हो गया है, और देखिए ऑन करते ही जो बीप की आवाज़ आ रही थी स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो देखिए जो हमारा आरओ है वो भी स्टार्ट हो गया है, और इसमें जो पानी जा रहा है उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है हमको। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो से ये जो बीप साउंड है उसका आंसर मिला होगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो भी सॉल्यूशन है मैं आप तक ले करके आऊँ। और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। आपका भी कोई प्रॉब्लम है
तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस कमेंट में रिप्लाई करूँ। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।